और अब क्या जेल जाएंगे सोरेन? जी हाँ, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की सख्ती से देश के दो राज्यों की सियासत में खलबली मची हुई है। कथित जमीन घोटाले में ईडी की रडार पर आए हेमंत सोरेन लगातार सत्ताधारी विधायकों के साथ भविष्य की रणनीति पर मंथन करते रहे। आज दिन भर सियासी गलियारे में यह अटकलबाजी भी तेज है कि हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन को लापता और फरार कहने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ मानहानि के मुकदमे का ऐलान कर दिया है। रांची में जारी गहमा गहमी के बीच ईडी ने आज लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर तेजस्वी यादव से भी करीब 9 घंटे तक लंबी पूछताछ की है। हेमंत सोरेन ना तो हेमंत विश्व शर्मा है, ना तो अजीत पवार है और ना ही नीतीश कुमार, वो वीर शिवू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन। राजभवन जिस प्रकार से बात कर रहा है, कौन सा पैनिक आप उत्पन्न करना चाहते हैं? बैठा लीजिए अपने आवास में मुख्य सचिव को और डीजीपी को। एक तो कहता है प्रकट हुए, कोई बोलता लापता थे। तुम्हारा राशन पानी बंद हो गया था क्या? और क्या मुख्यमंत्री को भाजपा के इस प्रदेश कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक देना पड़ेगा? सोमवार से ही झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे सरीखे बीजेपी के बड़े नेताओं की टोली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भगोड़ा और फरार बताने लगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने नेता और मुख्यमंत्री का अपमान सहन ना कर सकी, इनाम वाले पोस्टर को जेएमएम नीचता बताने लगे। पार्टी ने ऐसे नेताओं के खिलाफ मुकदमे का भी ऐलान कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान है, वो स्टेट का एक बहुत प्राइम इंस्टीट्यूशन है। उस संस्थान के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार के वक्तव्य दिए गए, वो पूरी तरह सीआरपीसी की धारा 499 के शर्तों पर लागू होती है। सीआरपीसी 499 जिसमें मानहानि की बात की गई। सोमवार को जब ईडी की टीम झारखंड सीएम के घर पहुंची, तभी से रांची से दिल्ली तक हलचल तेज हो गई। ईडी की टीम को सोरेन अपने घर पर नहीं मिले और तभी से वहां सत्ता परिवर्तन की अटकलें शुरू हो गई। बिहार में लालू यादव की राबड़ी देवी के सीएम बनने की तरह झारखंड में भी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाए जाने की अफवाहें उड़ने लगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उसके गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी के विधायक चट्टान की तरह खड़े हो गए। सोमवार से शुरू हुआ बैठकों का दौर मंगलवार को भी चलता रहा। पहले दोपहर 2 बजे बैठक हुई, फिर शाम 7 बजे भी सीएम सोरेन के घर सत्ताधारी विधायकों की बैठक हुई। दोपहर 2 बजे हुई सत्ताधारी विधायकों की बैठक में सीएम सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। हालांकि सत्ताधारी खेमे ने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया, बीजेपी पर ही सवालों का पुलिंदा उछाल दिया। ये इल्जाम भी जड़ दिया कि बीजेपी किसी तरह झारखंड में सरकार गिराने की साजिश रच रही है। देखिए, ये सब कुछ रणनीति है जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता। तानाशाहों से लड़ने के लिए एकजुट होकर एक पुख्ता रणनीति के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंतजार कीजिए। कभी ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर किया था क्या इन्होंने लापता होने का? और स्वामी चिन्मयानंद और सेंगर सरीखे, इनके नेता जो थे जो गायब हो जाया करते थे, उन पर भी एफआईआर होना चाहिए। इस तरह की हास्यास्पद बातें जो भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने आप को मानते हैं, न करें तो बेहतर। कहा है मुख्यमंत्री झारखंड का फरार है, लापता है, और इसलिए लापता है फरार है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम किया था। अपने परिवार और अपने लिए अकूत संपत्ति जमा करने की नियत और नीति उनकी बनी हुई थी, और जब जांच एजेंसियां उन पर
जांच करने के लिए उनको लगातार बुलाने का काम कर रही है, तो भागते चल रहे हैं, भागते चल रहे हैं और भागते चले जा रहे हैं।